नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगिंग वर्ल्ड की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पाकी में एक शॉर्ट मूवीज का शूटिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है। हम आपको आज यही शूटिंग के बारे में दिखाने वाले हैं कि शूटिंग किस टाइप से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और मूवीज का क्या नाम है। ये तो अभी हालांकि हमें मालूम नहीं है, तो हम उनसे ये भी पूछ के क्लियर कर लेंगे कि क्या नाम है मूवीज का। ये शूटिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि शूटिंग किस तरह से हो रहा है और कौन सा मूवीज बन रहा है, इस बारे में विस्तारित रूप से जानते हैं और विशेष तरीके से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे का ब्लॉग्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी आपको इस फिल्म के डायरेक्टर्स मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि फिल्म आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या जानकारी आपको मिलेगी, इस फिल्म के बारे में हमें क्या बताया जाएगा, ये चीज़ अभी हम देख लेते हैं। चलिए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और जानते हैं इस फिल्म के बारे में विशेष तरीके से। नमस्कार, और सभी चैनल देखने वाले को, सभी श्रोतागण के, मेरा मृत्युंजय मौर्य की ओर से ढेर सारा प्यार। और ये नए साल पे एक मैं शॉर्ट फिल्म बनाया हूँ जिसका नाम है कुछ ना कश्ती मेरी माँ। इस फिल्म के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज के जो युवा वर्ग के लड़के हैं, अपने महबूब अपनी प्रेमिका को खुश रखने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। इस फिल्म में एक लड़का है जो अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है, जो उसके पापा कमा के कुछ पैसे रखते हैं, चंद पैसे जो इलाज के लिए, वो लड़का उस पैसा को चोरी कर अपने महबूबा को गिफ्ट प्रेजेंट करता है नए साल में, ताकि मेरी महबूबा खुश रहे। और उसके पापा मजबूरन उस अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाते, अपनी पत्नी का इलाज उसका पापा नहीं करा पाते हैं, और अंत अगर वो उसकी माँ मर जाती है, वो लड़का को अंत में एहसास होता है कि ये जो माँ आज इस दुनिया में नहीं है, इसका कहीं ना कहीं कारण मैं हूँ। तो दोस्तों, इस प्यार इस कहानी का नाम है कुछ ना कहती मेरी माँ। माँ सब कुछ देखती थी कि बेटा चोर है, चोरी करता है, फिर भी माँ कुछ नहीं कहती थी अपने बेटा को, हर तरह माफ़ करते जाती थी। तो दोस्तों, भाई से कहा जुड़ी प्रार्थना है, सभी युवा वर्ग के दोस्तों से अपील है कि आप लोग अपनी माँ को त्याग कर अपने प्यार को मत पाने की कोशिश कीजिएगा, ना तो बर्बाद की खाई में गिर जाइएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद। मेरा भैया का चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लगभग अभी समझ चुके होंगे कि इस मूवी में आपको क्या दिखाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं बिहाइंड द सीन मूवीज में किस टाइप से यहाँ पे सीन आने वाला है। चलते हैं मूवीज में और देखते हैं यहाँ का विशेष तरीके से, और जो लगभग जो कट का जो सीन होता है, किस तरह से शूटिंग होता है, चलिए अब देखते हैं वो चीज़। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो उस अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू और देखते हैं कि आगे क्या सीन देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस लोकेशन से आप काफ़ी अच्छे तरह से परिचित होंगे। ये है पाकी का बराजपुर और यहीं पर शूटिंग यहाँ का स्टार्ट होने वाला है। चलिए अभी आपको ले चलते हैं काफ़ी नज़दीक में और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर शूटिंग हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी कलाकार लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनके साथ में है कैमरा स्टैंड, बाइक वगैरह, जो जो चीज़ मतलब इनके अभी ज़रूरत की सामान है वो ये लेके आए हुए हैं यहाँ पे। Through the wastelands, through the highways, and on and on.
के वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे में आपको गोल करके बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।